खंड भट्टू कलां के गांव बनावाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहले दिन अब तक सरपंच पद के लिए दो नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिनमें गांव बनावाली के कृष्ण कुमार लेगा व बसंत कुमार ने यहां एआरओ वीरेंद्र कुमार को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस नामांकन पत्र सौंपने से पूर्व कृष्ण लेगा ने अपने कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान यहां बुजुर्गों द्वारा किशन लेगा ने अपने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान यहां रिबन काटकर इसका उद्घाटन करवाया। यहां पर विधिवत रूप से उपस्थित लोगों ने कार्यालय के उद्घाटन पर इसका आशीर्वाद देते हुए किशन लेगा को विजय श्री होने का आशीर्वाद दिया। वहीं पुजारी ने सभी को तिलक करके इस दौरान शुभ आशीष दिया। इस कार्यक्रम में जहां आप देख रहे हैं भीड़ जो देखने के लायक थी और कार्यक्रम में ग्रामीणों का उमड़ा जन सैलाब इस बात को दर्शा रहा था कि किशन लेगा काफ़ी मजबूती के साथ अपना सरपंच पद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। उनके इस कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब देखने योग्य था। गांव बनावाली से सरपंच पद उम्मीदवार के तौर पर किशन लेगा ने अपने कार्यालय में हवन यज्ञ का भी आयोजन करवाया। हवन यज्ञ में आहुति डालकर अक्षत्र के लिए जहां सुख समृद्धि की कामना की गई, वहीं अपने इस शुभ कार्य के लिए भी इन्होंने हवन में या आहुति डालकर अच्छे नेक कार्य करते हुए इस कार्य की ओर कदम बढ़ाने का यहां संकल्प लिया। उन्होंने इस दौरान उपस्थित जन को भी संबोधित किया और इस अवसर पर यहां हवन यज्ञ के बाद वे यहां गलियों से होते हुए रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर एआरओ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जब वे अपने कार्यालय से स्कूल तक चले तो उनके पीछे उमड़ा जन सैलाब। आप देख सकते हैं कि गांव बनावाली में उनकी ताकत किस तरह से गांव वालों ने बढ़ा दी है। गाँव का जो जन समर्थन पहले दिन इनको मिला है वह सराहनीय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति किशन लेगा को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार नजर आया। गांव बनावाली का यह दृश्य आज नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान का था। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया। क्या कहा किशन लेगा ने, सुने उन्हीं की जुबानी। गांव से आए हुए सभी पितातुल्य बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों का मैं यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से सभी का अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि जो अपनी उपस्थिति है इस उपस्थिति से ये आज जो आपने यहां पहुंचकर आपका जो आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं जून भरा भी देंगे। आहुति देने के बाद हम नॉमिनेशन के लिए बालाजी मंदिर से होते हुए सरकारी स्कूल में जाएंगे, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था है। तब तक के लिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस व्यवस्था को बरकरार रखें, सभी यही रहे और सभी साथ मिलकर चले और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था भी खराब ना हो। जैसे आज गांव की जो भीड़, जो मेरे बुजुर्ग, जो पितातुल्य बुजुर्ग यहाँ जो हाजिरी दी है इसको सामने मैं देख पा रहा हूँ, तो आज मैं निश्चय ही ये चीज को कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद की मेरी ओर से कोई कमी नहीं रही है। गांव ने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से सदैव आपका आभारी रहूंगा। अगर मेरे को जाने अनजाने में मेरे परिवार से, मेरे से या किसी मेरे बुजुर्ग से कोई गलती हो तो मैं आज क्षमा याचना करता हूँ दोबारा। इसके लिए कोई भी ऐसी गलती ना हो, चुनाव है, चुनाव में गांव का ही चुनाव है, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों गांव से रहेंगे, तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि चुनावी माहौल में किसी के बहकावे में न आए, किसी भी व्यवस्था में न आए, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ न हो जिससे कि गांव का माहौल खराब हो जाए। हमें शांतिपूर्वक शांति बनाए रखनी है, शांति से अपने चलना है सभी चीजें। तो पुनः भी उस दिन भी बात हुई थी, आज भी मैं पुनः दोबारा बात कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी गांव में व्यवस्था खराब न हो। जो भी आज मैं यहाँ सभी ने हाजिरी दी है, मेरा सपोर्टर है, वोटर है, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि 25 तारीख तक किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था खराब ना हो जो आने वाले समय में हमें हर बार उसको दोहरानी पड़े। तो सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सभी यहाँ है
जो भी अपने नजदीक में है, पास में है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको ये 25 तारीख तक इंटीमेशन रहे कि हम एक व्यवस्थित तौर से चलें, अफवाहों पे ध्यान न दें, किसी भी प्रकार की किसी से गलती है तो मैं और मेरा परिवार घर घर जाके जोड़ी मांगेंगे, घर घर जाके वोट मांगेंगे। वोट मांगना अपना अधिकार है, देना गाँव का अधिकार है। 70 साल में जब से संविधान ने यह अधिकार दिया है पंचायती राज का, चुनाव का दुपंद मत से जब पंचायती राज होना है तब से लेकर और गांव की विरासत से लेकर आज पहली बार मैं और मेरा परिवार गांव से जोड़ी बांट के वोट मांग रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी प्रकार की हमारे से गलती हो तो ये वोट के साथ चोट न मार दें, सभी के साथ किसी जो अपने कोई व्यवस्था लगती हो तो मैं जाऊँगा, मैं घर घर जाऊंगा, मेरे परिवार से जाऊंगा, मेरे गांव में जाऊंगा, सभी से मैं हाथ जोड़ के इस चीज की विनती करूंगा भी जो चीज है गांव की सभ्यता को एकता को बरकरार रखते हुए सभी भाईचारे का चुनाव लड़ें, गांव में किसी प्रकार की कोई दबिश्ता न हो, सभी से मांगने का अधिकार है, हम मांगेंगे, घर घर जाएंगे, पक्ष भी है प्रतिपक्ष भी है वो भी मांगेगा, तो गलियों में गाँव में किसी प्रकार का कोई भी हवाला न हो। आपकी आज की जो हाजिरी है ये आज मेरे को ये कायम करती है कि मेरे को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये चीज कह रहे हैं कि ये चीज रहेगी वो चीज रहेगी, तो एक शख्स की फोटो मैंने ऊपर लगाई है, कुछ लोगों ने ये चेहरा हमें मेरे को नहीं जानता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है गांव के अंदर, पर इस शख्स का कोई अस्तित्व है। आप एक बार ये देख लेना कि इसकी कमी है, मैं इसको कभी लालच नहीं लगने दूंगा, किसी भी चीज को गांव में है किसी भी भाई को ये नहीं होगा कि आने वाले टाइम में आपने ये क्या कर दिया, आपको किसी को पछतावा नहीं होगा। ये मेरा वादा रहा, जिंदगी में कभी कोई ये नहीं कह पाओगे कि आपने उस दिन ये कर दिया आज उसकी वजह से काम को ये भुगतना पड़ रहा है। किसी भी यहाँ आए हुए मौजूद को मेरा यही आश्वासन है कि किसी को कोई किसी तरह का पछतावा नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल से तन से मन से धन से मेरा सहयोग करें, इसमें सभी के साथ में चलें, सभी बात करेंगे, सभी साथ चलेंगे, जिस भी प्रकार का किसी के लिए कोई सुझाव हो तो मेरे को सुझाव दें और आपका आशीर्वाद और आश्वासन दें। इसके लिए नमस्कार, किसी प्रकार की कोई रही हो तो नमस्कार।